नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिंटू इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे। मैं आपका दोस्त सुधीर शर्मा लेके आया हूँ दोस्तों नई वीडियो। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले सभी भाइयों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज वीडियो लेके आए हम साउंड वालों के लिए। दोस्तों जो वीडियो लेके आए हैं जितने भी हमारे हिंदुस्तान में साउंड का काम करते हैं, ऐसा कोई साउंड वाला मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी शायद नहीं होगा जो मैं आइटम बताने जा रहा हूँ वो उसके बारे में जानकारी ना हो और उसके बगैर साउंड का काम अधूरा भी है। तो दोस्तों आज लेके आए बोस कंपनी का DD3 और DD8 जो नए मॉडल आए हैं उसके बारे में। DD3 सब जानते हैं, DD3 का नया मॉडल आ गया है वो लेके आए हैं और DD7 था वो बंद हो गया, DD8 आ गया वो मॉडल लेके आए। आज दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करा के दिखाएंगे कि कंपनी ने जो नया मॉडल निकाला है वो कैसा दिखता है और कैसा बजता है। आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको DD3 और DD8 की अनबॉक्सिंग करके। ज़्यादा बड़ी अनबॉक्सिंग नहीं है, बहुत छोटी सी पीस है, ये बोस कंपनी का माल है, इसकी करते हैं आज अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये है DD8 डिजिटल डिले बोस कंपनी की और ये है DD3T डिजिटल डिले बोस कंपनी की। ये दोनों मॉडल अभी लेटेस्ट आए हैं, आज इन्हीं के बारे में वीडियो बनाएंगे। वीडियो बहुत छोटी सी बनेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं, पर दोस्तों बहुत अच्छी और बहुत स्पष्ट जानकारी आपको देने के लिए आया हूँ कि जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे को जानते हैं, जो भी नहीं जानते केवल गूगल पर सर्च करते हैं या यूट्यूब पर सर्च करते हैं, वो DD3 इंक्वायरी करते हैं। तो दोस्तों DD3, DD7, DD5 ये सब मॉडल बंद हो गए। अभी जो लेटेस्ट मॉडल आ रहा है DD3 का, DD3T आ रहा है और DD8 आ रहा है। दोस्तों यही मिलेंगे अब आगे, जो मिलेगा पुराना स्टॉक पड़ा होगा, जो नया स्टॉक मिलेगा आपको ये वाला माल मिलेगा। आइए दोस्तों दिखाते हैं DD3 अंदर से दिखती कैसी, इसमें क्या चेंजेस क्या है। ये पूरा मैनुअल कंपनी ने दिया हुआ है, इसके अंदर पूरा सारी लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी डिटेल दी हुई है, इसको आराम से पढ़ना पड़ेगा। ये बोस कंपनी का, इसकी वेबसाइट वगैरह दी हुई है, बारकोड वगैरह दिया हुआ है इसके बारे में। और इसके अंदर से बाहर निकालते हैं, ये हमारा अब आपके सामने आ गया है DD3 बोस कंपनी का डिजिटल डिले। दोस्तों अभी इसके अंदर जो दिया हुआ है, ये एक माइक की इनपुट यहाँ से दी हुई है, एक टेम्पो दिया हुआ है, एक यहाँ से आउटपुट दी हुई है, डायरेक्ट आउटपुट दी हुई है, दो आउटपुट दी हुई हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसका जो दिया हुआ है आपको DC का, AC से DC का अडैप्टर लगा के इसको चला सकते हो। और इसके अंदर ना यहाँ भी कंपनी ने बैटरी दी हुई है अंदर आपको, ये बैटरी लगा रखी है 9 वोल्ट की, अगर आपको एमरजेंसी में अडैप्टर नहीं है तो इससे भी काम चल जाता है आपका, और अच्छा काम चल जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसको हम अभी आपको चेक कराएंगे, अभी जब तक के लिए हम DD8 की भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों ये DD8 है डिजिटल डिले, इसके अंदर भी बहुत सारा मैनुअल दिया हुआ है, इसका रजिस्टर, इसका बारकोड दिया हुआ है, QRC कोड दिया हुआ है, बारकोड दिया हुआ है, पूरी डिटेल दी हुई है। जल्दी जल्दी थोड़ी सी वीडियो बना रहे हैं, इसके बारे में हम जो कैसे यूज़ करते हैं पूरी डिटेल कंपनी ने दी हुई है, आप इसको देख सकते हो हम कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अभी आपके सामने DD8 आ गई है, DD8 डिजिटल डिले बोस कंपनी का, यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है। इसके अंदर दोस्तों DD3 में आउटपुट, उसमें सिंगल आउटपुट है, इसमें डबल आउटपुट दी हुई है, एक इसमें मोनो आउटपुट दी हुई है, एक आउटपुट दी हुई है बी वाली।
एक इसमें इनपुट दी हुई, दो इसमें इनपुट दी हुई हैं, एक मोनो दी हुई है, एक टेम्पो दिया हुआ है। टोटल इसमें तीन इनपुट दी हुई हैं, इसमें दो आउटपुट दी हुई हैं, और इसके अंदर थ्री इफेक्ट होते हैं, एक दो तीन, इसमें आठ इफेक्ट दिए हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है 9 वोल्ट का इसमें आपको करंट देना है डीसी, इसको यूज़ कर सकते हो आप। और दोस्तों इसके बारे में बताते हैं पीछे से कंपनी ने क्या, ये कंपनी ने बताया मेड इन मलेशिया है, बॉस कंपनी का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, रोलैंड कॉरपोरेशन कंपनी का पूरा एड्रेस दिया हुआ है इसके अंदर, इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है और इसके बारे में डिटेल दी हुई है, और ऐसी इसके बारे में दी हुई है, ये इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है और ये भी मलेशिया की है। तो दोस्तों दोनों ही मलेशिया की हैं और कंपनी जापान की है। अब आपको दोनों की हम टेस्टिंग दिखाएंगे करके कि क्या क्या इसमें होता है। दोस्तों इसमें जो डी डी 8 है इसमें 8 इफेक्ट हैं, जो डी डी 3 है इसमें 3 इफेक्ट हैं। आज इनको दोनों को हम चला के चेक करा के आपको दिखाते हैं। और दोस्तों बताना आपको कैसी क्वालिटी लगी, अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगी और मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने क्या है, JBL कंपनी का हमने माइक इस्तेमाल किया है, CHM10 मॉडल नंबर है माइक्रोफोन का, और ये JBL कंपनी का माइक्रोफोन है, बहुत अच्छा माइक्रोफोन है, वोकल माइक्रोफोन है और ज़्यादा महंगा माइक्रोफोन नहीं है, बहुत सस्ता माइक्रोफोन है पर बहुत अच्छा है। और दोस्तों अभी चेक करते हैं, अब आते हैं वीडियो, हम जिसकी बना रहे हैं उसकी बातें करेंगे, इस माइक की बात नहीं करेंगे, ये माइक केवल हम यूज़ कर रहे हैं केवल टेस्टिंग करने के लिए। ये JBL कंपनी का माइक्रोफोन है, कमर्शियल माइक्रोफोन। अभी हम DD3T इस्तेमाल कर रहे हैं और QD ऑडियो का हमने मिक्सर लगाया हुआ है, इसकी हमने डिले पूरी बंद की हुई है, अभी हम केवल इसको डिले का इस्तेमाल करेंगे। अभी दोस्तों इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं 800 मिली सेकेंड पे, दोस्तों 800 मिली सेकेंड पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका जो टाइमिंग है हमने कम टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इसके अंदर टाइम बढ़ा देंगे तो इसका जो डिले टाइम बढ़ जाएगा, देखिए कैसे बढ़ता है। साउंड चेक, साउंड चेक 1 2 3 4 जय माता दी। हले। साउंड चेक 1 2 3 4। ये इसका स्मार्ट लूप लग जाता है, बंद हो जाता है, ये 800 मिली सेकेंड है, उसके बाद 200 मिली सेकेंड है। हले। तो फर्स्ट इफेक्ट इसका है, हले साउंड चेक, हले तो दोस्तों अभी आपने देखा हमने DD3 हमने चेक किया है, इसमें 3 इफेक्ट होते हैं, वो हमने 3 इफेक्ट चेक कर लिए, इसको यहाँ से करेंगे बंद हो जाएगा और यहाँ से ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा। ये हमने माइक यहाँ पे लगाया, यहाँ से हमने आउटपुट लिया है, इसे आउटपुट को हम अपने एम्पलीफायर में ला सकते हैं, अपने मिक्सर में ला सकते हैं, इसको हमारी चॉइस है हमें कैसे इस्तेमाल करना है। तो आइए दोस्तों अभी हम इस्तेमाल करते हैं, चेक करते हैं और डेमो लेते हैं DD8 का। अब दोस्तों DD8 बोस कंपनी का मेड इन मलेशिया, इसकी टेस्टिंग करते हैं। अभी DD7 बंद हो गया है, DD5 बंद हो गया है, अब DD8 चालू है, केवल DD8 का ये नया मॉडल है, इसकी टेस्टिंग करते हैं और दिखाते हैं, चेक करके इसको ऑन करा हमने, यहाँ से इसका ऑन ऑफ स्विच है,
अब इसको हम इफेक्ट ना फर्स्ट से इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। हले हले हाल हाल हले हाल हले हाल हले हले हाल 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 इसमें उल्टा जा रहा है। हले हाल हले चल हले हले चल क्वांटे हाल हले हाल हाल साउंड टेस्ट हले हाल चल हाल हले हाँ। तो दोस्तों अभी आपने देखा ये हमने इसके आठवें इफेक्ट चेक किए हैं वन बाय वन। दोस्तों ये जो इफेक्ट है ना ये आपकी ना चॉइस पर डिपेंड करता है कि हमें ये इफेक्ट कहाँ इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों मेरे बहुत सारे जो चाहने वाले बैंड वाले भी हैं, बहुत से चाहने वाले मेरे जागरण वाले भी हैं, चौकी वाले भी हैं, भजन संध्या वाले भी हैं, ऑर्केस्ट्रा वाले भी हैं, करोके जो गाते हैं माइक पे, वो जो सीखते हैं वाले माइक, वो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो सारे मेरे चाहने वाले। दोस्तों इसके बगैर ना आपका सिस्टम अधूरा है। हाँ, अगर आप बड़ा मिक्सर लगाते हो सब में डिले आती है, पर दोस्तों जो मिक्सर में जो डिले आती है, जो ये डिले ना दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता, ये स्पेशल डिले ही है केवल ओनली। और मेरा अच्छे अच्छे दोस्तों बोलना ही चाहिए, अच्छे अच्छे कंपनी के मिक्सर यूज़ करने वाले, लाखों में जो मिक्सर बिकते हैं, जो 5-5 लाख 10-10 लाख के मिक्सर बिकते हैं, वो बंदे भी मैंने इनको लास्ट में DD3 ही इस्तेमाल करते देखे हैं। पता नहीं क्यों इस्तेमाल करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। मैं नहीं कहता मिक्सर बेकार है, मिक्सर बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो, पर वो किस वजह से इस्तेमाल करते हैं वो आप बताना मुझे, कमर्स में बताना कि क्या क्वालिटी होती है जो इतनी बड़े मिक्सर की डिले इस्तेमाल ना करके एक छोटी सी डिले इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो क्वालिटी दोस्तों इसमें होगी। हाँ दोस्तों क्वालिटी है, पर दोस्तों ये क्वालिटी आप पे डिपेंड करती है, आप कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। बैंड में इस्तेमाल कर सकते हो उसको, ऑर्केस्ट्रा में इस्तेमाल कर सकते हो, कैरोके में इस्तेमाल कर सकते हो, मल्टीपर्पज़ गिटार में, कीबोर्ड में, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको। इसमें जो टेम्पो दिया हुआ है ना, ये जो टेम्पो दिया हुआ इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं हम। पैडल स्विच जो फुट स्विच होता है उसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ से। इसमें 3 इनपुट दी हुई हैं, 2 माइक की इनपुट है, 1 टेम्पो की इनपुट है, और इसमें 2 आउटपुट दी हुई हैं, और पीछे वो दिया हुआ है DC इनपुट 9 वोल्ट के लिए। दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है। और दोस्तों कोई भी अगर जानकारी इसके बारे में लेनी है, DD3 के बारे में, रेट के बारे में जानकारी लेनी है, इसके प्राइस के बारे, दोस्तों आप जानते हो मैं प्राइस कभी नहीं बताता। मेरे बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी है मेरे से, भाई साहब वीडियो क्यों बनाते हो, नीचे कमेंट्स भी देखते हो दोस्तों आते हैं कि वीडियो में प्राइस नहीं बताना था, वीडियो क्यों बनाते हो। दोस्तों मेरा मकसद प्राइस बताने का नहीं है, ना ही मेरा मकसद माल बेचने का है। मेरा मकसद जो है केवल आपको जानकारी देने का कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट आया और क्या क्वालिटी है। दोस्तों प्रोडक्ट आप कहीं भी ले सकते हो, मेरे से मत लो, आप अपने लोकल में लो, किसी भी डीलर से ले सकते हो, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है, आपके नियर बाई कोई भी डीलर हो आप उससे परचेज़ कर सकते हो। बस शर्त एक ही होनी चाहिए, जब भी परचेज़ करो हमेशा ओरिजिनल माल परचेज़ करो, जिससे कि आपकी ओरिजिनल क्वालिटी निकले। पर दोस्तों मेरी बनाई हुई आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों ज़्यादा अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कर देना, हो सकता है कि ये जानकारी किसी के काम आ जाए जो इसको ढूंढ रहा हो उसको मिल जाए। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों एक नमस्कार से पहले एक बार बोल दूँ, बहुत सारी आइटम आपका इंतजार कर रही हैं, बहुत सारी। दोस्तों मुझे टाइम नहीं मिल रहा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी, हो सकता है जल्दी वीडियो आपके पास आए। बहुत सारी नई नई वीडियो आने वाली हैं, बहुत सारे नए नए आइटम आ गए हैं, मेरे पर टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए वीडियो नहीं बनवा पा रहा हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आपके सामने जरूर लेके आऊँगा। दोस्तों जब तक के लिए मेरे इस चैनल को देखते रहना और लाइक करना, कमेंट्स करना, और जल्दी एक अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे आपको। सारी वीडियो अच्छी होती हैं, नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।